बिहार सरकार के द्वारा किए गए उन तमाम विकास और कानून व्यवस्था के दावों को खारिज करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा है कि नीतीश सरकार से बिहार नहीं चल पा रही है। अखिलेश प्रसाद ने नीतीश के मंत्री मदन सहनी की विवशता को भी मीडिया के सामने रखा। विशेष जानकारी दे रहे हैं पटना संवाददाता अमलेश आनंद। नमस्कार, आप देख रहे केबीसी न्यूज, मैं हूं अमलेश आनंद। देखिए, बिहार की शासन व्यवस्था जिस तरह से पहले मजबूती थी उसी तरह से रसातल में चली जा रही है, ऐसा आरोप लगाया है बिहार कांग्रेस प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने। उन्होंने कहा है नीतीश सरकार अपनी शासन व्यवस्था को बिल्कुल ही ख़त्म कर चुकी है, अब बिहार नीतीश सरकार से नहीं चल पा रहा है, बिहार को चला रहे हैं उनके पदाधिकारी, उनके अफसर। क्या कुछ कह रहे हैं अखिलेश प्रसाद सिंह आज प्रेस को संबोधित करते हुए, जरा आप सुनिए। हम आज सुबह सुबह अखबार में एक न्यूज छपा है, 14 तारीख को एक व्यक्ति को गोली लगी और वो आके यहाँ भर्ती हुए। जब आईसीयू से उनका डेड बॉडी निकला तो उसमें उसका आँख निकाल दिया गया। आप पहले एक बार मैं पढ़ा था कि चूहा पहले प्रशासन द्वारा जब शराब पी जाती थी, अब अस्पताल में मरीज का आँख निकाल देती है। तो ये इस तरह से नीतीश जी और बीजेपी की सरकार चल रही है। एक खबर ये है मंत्री जी मदन साहनी जी का, इन्होंने कहा कि अपर मुख्य सचिव मुझे फाइलें नहीं भेजती, इसलिए मैंने पटना छोड़ दिया। अब ये पटना नहीं रह के दरभंगा में से अपना काम चलाते हैं क्योंकि इनको फाइल नहीं आती। और ये प्रायः एक मंत्री का कहानी नहीं है, विजेंद्र यादव जी के यहाँ का भी यही कहानी है। बिजली मंत्री जी हैं वो तो खैर ऐसे भी वृद्ध हो चुके हैं। तो ये सरकार कैसे चल रही है, और आए दिन माननीय मुख्यमंत्री जी का दरभंगा में आप सभी ने देखा किस तरह से उन्होंने व्यवहार किया, और प्रधानमंत्री जी लगातार दो बार बिहार आ गए। तो बिहार के लोग समझते थे कि शायद 2014 में 1,25,000 करोड़ का जो पैकेज का घोषणा हुआ था फिर उसके बारे में कुछ कहेंगे। बिहार के बंटवारे के समय एक घोषणा हुआ था 1,80,000 करोड़ के पैकेज का, शायद उसके बाबत कुछ कहेंगे। लेकिन ये दोनों बातें नहीं करके और सीधे तौर पर इलेक्शन कमीशन के आँख में धूल झोंक के और चुनाव प्रचार किया जा रहा था झारखंड चुनाव का। चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। 13 तारीख को जब पहले चरण का चुनाव हो रहा था, प्रधानमंत्री जी का दरभंगा में उस दिन अस्पताल के निमित्त आना, एम्स का जबकि 1.5 साल पहले भी घोषणा हुआ था कि अस्पताल चल रहा है और उसको लगातार लाइव वहाँ टीवी पर चलना, ये इंगित करता है कि इलेक्शन कमीशन भी आंख बंद कर लिया है। फिर तुरंत एक सप्ताह के अंदर कल दूसरी सभा जमुई में करके अपना चुनाव प्रचार करना, इसलिए मैं आपके माध्यम से चुनाव आयोग से आग्रह करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि इसे इसका संज्ञान लें। और अगर हो भी बिहार में, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो टीवी लाइव दिखाता है वो कम से कम झारखंड में उस पर रोक लगाया जाना चाहिए। फिर जिस तरह से बिहार की सरकार चल रही है और प्रायः बिहार के लिए केवल घोषणा होती है, ये डबल इंजन की सरकार है, लेकिन उन्हीं के बनाया हुआ नीति आयोग प्रायः के मानकों पर प्रायः सभी 28 बड़े राज्यों में, चाहे वो स्वास्थ्य महकमा हो, शिक्षा का महकमा हो, इंडस्ट्री लगाने का, पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट लाने का ये हो, सब में 28 राज्यों में बिहार 28वें स्थान पर क्यों है, या एक आध दो छोड़ दीजिए तो 27वें स्थान पर आता है। बिहार बद से बदतर स्थिति में जा रहा है। 1 साल बाद यहाँ चुनाव है, बड़ी बड़ी बातें होंगी, लेकिन बिहार की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है।
बिहार के लोगों का जीवन स्तर खराब हुआ है, तो बिहार को मुख्य धारा में लाने के लिए हम सभी कांग्रेस कर्मियों से भी लगातार हम लोग मीटिंग करके बात करके और एक नया कार्य योजना पर काम कर रहे हैं, जिसकी घोषणा हम लोग बाद में करेंगे आपके सामने। तो आपने सुना, अखिलेश प्रसाद सिंह ने साफ साफ कहा है कि जिस तरह से अखबारों की पृष्ठ पे मंत्रियों का व्यवस्था दिख रहा है, मंत्रियों ने सीधे तौर पे कहा है कि हमें मुख्य सचिव फाइल नहीं भेजते, मैं विकास की बात कहाँ से करूं, और इस विकास की बात इस हालात में कभी अच्छा नहीं हो सकता, इस तरह से अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा। साथ ही अखिलेश प्रसाद ने कहा कि जो हॉस्पिटल की स्थिति है, जो अस्पताल की स्थिति है, वो बिहार सरकार के बिल्कुल ही नज़रअंदाज करते जा रहे हैं। अखबारों में जिस तरह से घटनाएं आ रही है कि पेशेंट की आंख निकाल ली जाती है, तमाम मुद्दे पर आज अखिलेश प्रसाद सिंह ने अपनी बात को रखा और साथ ही बिहार सरकार को कटघरे में करते हुए उन्हें कोसा और उन पर विभिन्न विभिन्न प्रकार के आरोप लगाते नज़र आए। अमलेश आनंद, KBC न्यूज़, पटना।